दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। हम आपके लिए लाए हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के दो कोर्सेज, जिसमें आपको 100 प्लस वीडियो के अलावा चैप्टर वाइज नोट्स, टेस्ट सीरीज और 5-6 के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। इसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स को डाउनलोड करनी होगी। वहां पर आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आदि 250 से अधिक कोर्सेज मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप फ्री नोट्स डाउनलोड करना चाहें तो हमारे एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल में फ्री नोट्स डाउनलोड का भी ऑप्शन है। इस वीडियो में हम आप बच्चों को समझाने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में। तो बच्चों, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो किसी भी देश के इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है, यानी कि एक देश रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितने भी ट्रांजेक्शन करता है, चाहे वो विजुअल गुड्स के हो, चाहे वो इनविजिबल गुड्स के हों, चाहे वो यूनिलैटरल ट्रांसफर हो, यानी कि तमाम ट्रांजेक्शन जो हैं उस सबका एक सिस्टमेटिकल रिकॉर्ड है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे जैसे डेफिनेशन लिखी हुई है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द सिस्टमेटिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। यानी कि एक साल का समय मान लें, मान लीजिए इंडिया है, इंडिया नेपाल से भी सामान खरीदता है, नेपाल को भी सामान बेचता है, पाकिस्तान को भी बेचता है, चीन को भी बेचता है, चीन से भी खरीदता है, अमेरिका से भी खरीदता है, यानी कि जितने भी देश हैं या संगठन हैं उन सभी के साथ हमारा जितना भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जा रहा है, जितने भी इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उन सभी का एक सिस्टमेटिकल रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बच्चों डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित होता है, यानी कि इसका जो रिसीप्ट्स है और जो पेमेंट है वो हमेशा बराबर होता है, आप कह सकते हो बराबर कर दिया जाता है। इसके अलावा हमें याद रखना है कि ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन दैट आर कैरिड आउट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर ईदर क्रेडिट और डेबिट, यानी कि या तो उसको डेबिट लिखा जाएगा या क्रेडिट में लिखा जाएगा जितने भी ट्रांजेक्शन है। लेकिन जैसे कि डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस बराबर होता है, उसी तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हमेशा बराबर रहता है। तो बच्चों चार तरीके के आइटम आते हैं, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। तो सबसे पहले बात करेंगे ना हम विजिबल आइटम्स की, तो इसको मैं शामिल करते गुड्स, यानी कि ऑल काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सॉरी गुड्स, जिसमें फिजिकल गुड्स की बात करते हैं। गुड्स वो होते हैं जिनको हम रिकॉर्ड रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा पढ़ाना तो सर्विसेज है, लेकिन जो टेंजेबल है जिनको छुआ जा सकता है वो गुड्स कहलाती हैं। तो जितने भी गुड्स होती हैं, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे वो वीट हो, चाहे वो राइस हो, चाहे वो मशीन हो, यानी कि तमाम चीज़ों का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो एक देश की बाउंड्री से बाहर होता है, वो सारे के सारे कहलाते विजिबल आइटम के अंदर आते हैं। इनविजिबल आइटम में बच्चों सर्विसेज आती हैं। सर्विसेज का मतलब हुआ जो नॉन टेंजेबल होती हैं। तो सर्विसेज दो तरीके की हो सकती हैं, जिसके अंदर फैक्टर सर्विस भी आएगी और नॉन फैक्टर सर्विस भी आएगी, जैसे इंश्योरेंस की सर्विसेज हैं, बैंकिंग सर्विसेज हैं, ठीक है, टीचिंग की सर्विसेज हैं, ये सारी की सारी कहलाती है नॉन फैक्टर सर्विसेज। और फैक्टर सर्विसेज जैसे मान लीजिए कोई इंप्लॉई काम करने गया, उसके बदले उसको जो पैसा मिल रहा, या कोई इन्वेस्टमेंट किया उससे कोई इनकम हुई, तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड जो हैं, यानी कि सर्विसेज के बदले जो इनकम होती है, वो सारे के सारे रिकॉर्ड आप एक तरीके से इनविजिबल आइटम के अंदर आते हैं। तीसरा आता है यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर वो होता है जिसमें एक देश दूसरे देश को पेमेंट करता है, लेकिन बदले में किसी एक्सपेक्टेशन नहीं करता। जैसे मान लीजिए सुनामी आई, तो किसी देश में सुनामी आने के बाद वे देश के बहुत सारे देश उसको कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराते हैं, कुछ पैसे देते हैं, कुछ मान लीजिए कुछ फूड देते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं। तो ये सारे के सारे आइटम यूनिलैटरल ट्रांसफर के अंदर आएंगे, क्योंकि इसके बदले किसी भी तरीके का पेमेंट दूसरे देश को नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा कैपिटल ट्रांसफर आता है। बच्चों कैपिटल ट्रांसफर के अंदर वो तमाम चीजें आती है जो किसी देश की असेट्स और लायबिलिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं। गोल्ड हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, और भी कई तरीके की चीजें होती है, जैसे इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड है, लोन आया हुआ, तो ये सारे के सारे कैपिटल ट्रांसफर के अंदर आता है। यानी कि तमाम चीजें जो कि किसी देश के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के काम आती हैं, जो किसी देश के यहाँ पे खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं, जो पैसा आता है, जो पैसा जाता है, तमाम तरीके के इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इसी के अंदर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बात करें बच्चों बैलेंस ऑफ ट्रेड की, तो देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपने चार आइटम किए, बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल आता है विजिबल आइटम, और कोई चीज नहीं आती है। तो बच्चों बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या मतलब है वो मैं आपको यहां पे पढ़ा देता हूं। देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड इज रिकॉर्ड इज ओनली विजिबल आइटम, ये बात आपको याद रखनी है, केवल और केवल विजिबल आइटम आता है। यानी कि एक देश रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जितनी भी चीजें खरीद रहा है, जितनी भी चीजें बेच रहा है, वो सारी आएगी बैलेंस ऑफ पेमेंट में, लेकिन केवल गुड्स
केवल गुड्स का मतलब ओनली गुड्स, जो विजिबल आइटम है, जो टेंजिबल आइटम है, उनका जो रिकॉर्ड है वो कहलाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है उसको बीओटी या बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो एक तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही पार्ट है। यानी कि जब आप चार आइटम लोगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाएगा, एक आइटम लोगे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाएगा। बच्चों बैलेंस ऑफ ट्रेड में अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो, यानी कि एक्सपोर्ट कर रहे हो, सॉरी बेच रहे हो, तो उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि इससे पैसा आता है। और अगर कोई चीज खरीद रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, तो उसको डेबिट साइड लिखेंगे क्योंकि इससे पैसा चला जाता है। तो बच्चों मैं आपको यह भी बता देता हूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस रहता है क्योंकि उसमें रिसीप्ट हमेशा पेमेंट के बराबर होती है। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में, बैलेंस ऑफ ट्रेड में सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है और बैलेंस भी हो सकता है। तो बच्चों बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में तब होगा जब एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ज्यादा होंगे इंपोर्ट ऑफ गुड्स के, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में तब होगा जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कम होंगे इंपोर्ट ऑफ गुड्स के, बैलेंस तब होगा जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इक्वल होगा इंपोर्ट ऑफ गुड्स के। तो बच्चों ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा हम यहां पे एक डिफरेंस भी करा देते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टमैटिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि इसके अंदर विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल और सभी तरीके के आइटम आ जाएंगे। जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो केवल और केवल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, केवल गुड्स का। इसमें केवल गुड्स ही आता है, सर्विसेज इसके अंदर नहीं आती हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड विजिबल, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल एंड कैपिटल ट्रांसफर। लेकिन इसके अंदर केवल विजिबल आइटम ही आता है, बाकी की कोई चीज इसके अंदर नहीं आती है। स्कोप की बात करें तो बच्चों बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बड़ा है, ये बीओपी हुआ, और बीओटी इसका छोटा सा पार्ट है। यानी कि एक नैरो कंसेप्ट है बीओपी बीओटी, जबकि जो बीओपी है वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। बैलेंस की बात करें तो जैसा कि हमने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया बच्चों, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस रहता है, जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में भी हो सकता है, डेफिसिट में भी हो सकता है और बैलेंस भी हो सकता है। तो बच्चों इस तरीके से हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड में डिफरेंस को समझा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।